नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 56वीं क्लास है। देखो, एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, और एक होता है जल प्रतिबिंब। तो जब एक तो घड़ी का समय होता है, दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा, एक जल में देखने पर क्या दिखाई देगा। तो पहले तो मैं वही बातें बताता हूँ आपको कि जब भी घड़ी में कोई समय दिया गया है, एक घड़ी में मैं कहूँ कि 8:33 हुए हैं, तो बताओ दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा। तो तुम्हारे एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी समय को जब 12 में से घटाओगे तो वो दर्पण का समय बन जाएगा। दर्पण वाले समय को वास्तविक समय बनाना हो तो भी 12 में से घटाना है, क्योंकि यहां मिनट दी गई है, इसलिए 11:60 में से घटाना है। 11:60 का मतलब 12 बजा। यदि समय पूरा दिया गया है, 5 बज रहे हैं, तो दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 12 में से घटाना है तुम्हें, 7 बजे दिखाई देगा। यदि दर्पण में 7 बजे का समय है, वास्तव में क्या समय है, तो भी 12 में से घटाना है, ठीक है। और यदि मिनट दी गई है तो तुम्हें 11:60 में से घटाना है। अब यदि 8:33 को जब दर्पण में देखोगे तो 3:27 दिखाई देगा। मोटी बात यह है, क्योंकि घड़ी का टॉपिक हो उसमें बताऊंगा ये सारी बातें। जब भी घड़ी का समय हमें दर्पण का समय बनाना है, मिरर का समय बनाना है, तो 11:60 में से घटाना है। और यदि जल का समय बनाना है तो एक जो घड़ी होती है, यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर आते हैं। 12 बिल्कुल 6 के सामने होता है, 7 के सामने 1 होता है, 8 के सामने 2 होता है, 9 के सामने 3, 10 के सामने 4 और 11 के सामने होता है 5। 11 के सामने 5 होता है, यानी कि 7 के सामने 1 होता है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब भी एक घड़ी में 7 बज गए और यदि हम जल में देखेंगे उसको, तो हमेशा 1 बजे का समय दिखाई देगा, क्योंकि जल में कोई आकृति हमेशा नीचे ऊपर से नीचे दिखाई देती है। जब भी हम परछाई देखते हैं तो हमारा सर नीचे और टांगे ऊपर दिखाई देती है, और दर्पण में जब मिरर में देखते हैं तो दाएं से बाएं दिखाई देता है। तो मोटी बात यह है, यदि किसी समय को दर्पण का समय बनाना है तो 11:60 में से घटाना है। यदि किसी समय को दर्पण जल का समय बनाना है, मैं कहूँ कि 7:20 हुए। अब जल में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो 7 का उल्टा देखो क्या होता है, 1। तो 1:50, हाँ, क्योंकि 20 मिनट कब होती है, जब सुई 4 पर होती है, और 4 की सुई जब हम देखेंगे, 4 वाली सुई जल में, तो 10 पे दिखाई देगी, और 10 पर अगर मिनट की सुई है तो हम क्या बोलते हैं, 10 का मतलब 50 मिनट। तो 7:20 को जब जल में देखेंगे तो 1:50 का समय। अब चूंकि बात आएगी उसकी प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब में एक लाइन तो ये लिखनी है तुम्हें कि किसी भी आकृति को यदि हम मिरर में देखते हैं, यदि दर्पण में देखते हैं, तो हमेशा जो दाई जो डायरेक्शन है वो बाई ओर चली जाती है, और बाई वाली डायरेक्शन दाई ओर चली जाती है, और जल में यदि देखते हैं तो नीचे वाली जो सिचुएशन ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। जैसे मान लीजिए तेज दिन है, अब जैसे कोई भी आकृति दे दी हमने, हमने मान लिया मनोज, ठीक है, तो मनोज को जब हम इसको हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, इसको जल में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो चूंकि वहां हम पेज फाड़ के ऐसे तो लिखेंगे तो समय ज्यादा खराब होगा, हमें क्या करना है कि यदि दर्पण में देखना है तो केवल और केवल या तो दाएं से बाएं घुमाना है या फिर बाएं से दाएं घुमाना है, दैट इज मिरर, ठीक है। और इसको जल प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, या तो नीचे से ऐसे ऊपर घुमाना, ये जल में ऐसे दिखेगा, या फिर इसको नीचे से ऊपर घुमाना, दोनों कंडीशन सेम ही है। मोटी बात यह है, दर्पण प्रतिबिंब में यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो आकृति को दाएं से बाएं घुमाना है या बाएं से दाएं घुमाना है, यानी कि या तो ऐसे घुमाना है या फिर ऐसे घुमाना है। जल प्रतिबिंब या तो ऊपर को ऐसे घुमाना है या फिर ऐसे घुमाना है। जल प्रतिबिंब में आकृति को नीचे से या ऊपर से नीचे घुमाया जाता है,
और दर्पण प्रतिबिंब में आकृति को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं से ही बात करो। अब चूंकि अब पेपर में जैसे ऐसे पेज फाड़ के लिखेंगे तो समय लगेगा, पेपर में ही तुम्हें क्या करना है, पेपर में रहेगा ये क्वेश्चन, तो सिर्फ ओनली उस पेपर जो क्वेश्चन है जिस पेज पर है उस पेज को ऐसे करना है। और ये ध्यान रखना कि इसके साथ आंसर भी घूमेंगे, चार ऑप्शन भी घूमेंगे, तो वहां तुम्हें क्या करना है, इस आकृति को अपने पेज पर बना लेना है, ऐसे ऐसे बनाना है, ये 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 इसका दर्पण प्रतिबिंब, फिर इसको सीधा करके और ऑप्शन में ढूंढोगे तो ये तुम्हें दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा। जल वाले को नीचे से ऊपर ऐसे करके और इस आकृति को पहले रख अपने पेपर पे बना लेना रख के और फिर उसको सही करके ऑप्शन में जब चूज करोगे तो वो एज इट इज दिखाई देगा। ओके